लोगों को इंसाफ देने बनाए गए पुलिस थाने विच ही अपराध होने लग जाए तो रब ही राखा होगा। लुधियाना की पुलिस चौकी मुंडिया के विच एक महिला नाल रेप का मामला सामने आया है। महिला ने दोष लाया कि उसनू घरों काढ के कुछ नौजवानों ने पहला उसदे नाल मारकुट की ते फिर पुलिस के हवाले कर दिता। पुलिस अधिकारी उसनू चौकी मुंडिया लैके गए सी जिथे पहली मंजिल के उपर उस नाल रेप किया गया ते सुबह उसनू वापस घर भेज दिता गया। उस वल्लों यह कहते कि वह पुलिस शिकायत करेगी उसनू दबकाया गया। उसके नाल दे साथी दे उपर झूठे मामले दर्ज करन दीआं गल्लां भी पुलिस मुलाजमां वल्लों कहीआं गईआं सन। उसने यह भी कहा कि उस तो खाली कागजां ते साइन भी करवाए गए ताकि बाद चो उस ते समझौता लिखा जाए। उस वल्लों पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल नूं शिकायत दी गई सी जिस तो बाद पुलिस ने ADCP 4 वल्लों की जाँच तो बाद अपराधिक मामला दर्ज कर लिया। महिला का दोष है कि पुलिस ने उसनू 15 दिन बिना वजह परेशान किया ते उसनू उसका हरजाना चाहिए। साड़ी लड़ाई हुई थी, लड़ाई के चक्कर से मैं जी अपने ना पम्मी आने राकेश ने पैसे लैके भी उन्होंने को पैसे ले उन्होंने कहा भी ये रात को गलत काम करी सानू रात को 12 बजे उत्थे लैके आए आ लैके आए तो बाद 1:30 बजे ने 1 बजे अंदर गए हैं कुट के इन्होंने चढ़ा उन्होंने अंदर बंद कर दिता मेरे नाल दे मुंडे नूं। मैनूं कहिंदा उत्थे लेडीज पुलिस हैगी आ कि उपर जाओ। मैं उपर गई तो उपर जाके ने मैनूं 1 बजे दी बाड़ी होया 4 बजे फिर छड्डिया गलत काम कीता। किन्नां दे कहिंदे तुहानूं लैके गए थाने च? पम्मी दे कहिंदे। पम्मी कौन है? पम्मी जी अट्टा चलांदी आ अपने दीशे ढाबे दे पिछे आ। अज तुसीं SP 4 नूं मिलण आए सी उन्होंने की कहा? उन्होंने परचा दर्ज करता जी। की पुछा मैडम ने? की दस्या तुसीं? मैडम ने यही पुछा कि तुहाडे नाल एक क्राइम होया। मैं कहा हाँ जी जी होया। वह कहें भी इन्होंने असी परचा दर्ज कर दिता। कितने परचा दर्ज हो? पम्मी से राकेश कुमार से पम्मी से होर जड़िया नाल सी 4-5 जने मुंडे मांडे उन्होंने सारे तो हो गया। जो जमालपुर थाना के परते अंतर्गत पुलिस चौकी मुंडिया में जो 5 दिसंबर को जो सीमा नाम की औरत के साथ क्रूर घृणित कर्तृत्व हुआ था उसके लेके माननीय पुलिस कमिश्नर साहब के साथ SCP 4 और तमाम अफसरों से शिकायत करने के बाद जमालपुर थाने की पुलिस ने आरोपी हवलदार जो पुलिस से हवलदार है राकेश कुमार उसके ऊपर 354B 323 376C धारा के तहत FIR दर्ज कर ली है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि और भी जो उसके साथ आरोपी थे उनके खिलाफ भी इस धारा के तहत पर्चा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन हमारा कहने के तहत तो ये है कि जो चौकी के अंदर और भी जो मुलाजिम मौजूद थे जो इस षड्यंत्र में शामिल थे उनको पुलिस क्यों बचा रही है? क्या जो मौजूदा चौकी इंचार्ज है उसका दायित्व नहीं बनता था कि इस क्राइम को रोकने के लिए, या जो वहाँ पे और भी मुलाजिम जो थे जिन्होंने इस करतूत को करने में सहयोग किया उसके खिलाफ जिला प्रशासन कमिश्नर साहब SP 4 साहब क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैं मांग करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्रेस साथियों के माध्यम से, किस बात पे भी माननीय कमिश्नर साहब गौर करें कि जो जो इस केस में इन्वॉल्व हैं प्राइवेट बंदा हो या चौकी के और भी मुलाजिम हैं, जैसे कि कुछ मुलाजिमों ने कहा कि दारू तू पी ले तेरे को चोट नहीं होगी साहब को खुश कर दे, ऐसी ऐसी शब्द का प्रयोग करके इस औरत को टॉर्चर किया गया है और टॉर्चर करके इसके साथ जबरदस्ती शरीर संबंध बनाया गया है, तो जितने लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं सबके ऊपर साजिश रचने का पर्चा दर्ज करके राकेश कुमार को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। चौकी दे विच प्लीज इधर रिगार्डिंग जो भी मैटर है NFIR हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड एंड वी आर इंक्वायरिंग इट। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के नाल दिलबाग दानिश लुधियाना।